अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम चेक करेंगे मेज़ क्रॉप पे कौन से इंसेक्ट पेस्ट का ज़्यादा अटैक है, कौन से पेस्ट हैं जो मेज़ को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ज़्यादा डैमेज करते हैं। आज हम उन इंसेक्ट के बारे में कुछ बात करेंगे और आपको कुछ बताएंगे। चलो अब हम देखते हैं, ये देखें इंसेक्ट पेस्ट के डैमेज हैं। ये डैमेज आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर, ये आप देख सकते हैं। ये डैमेज कौन से इंसेक्ट पेस्ट का है ये मैं आपको बताऊंगा, कौन से इंसेक्ट पेस्ट ने डैमेज किया है इस मेज़ क्रॉप को, ये ज़्यादातर इफेक्टेड कौन से इंसेक्ट पेस्ट की है। दोस्तों ये फॉल आर्मी वर्म की इफेक्टेड मेज़ क्रॉप है, फॉल आर्मी वर्म ने अटैक किया हुआ है इस क्रॉप पे, मेज़ क्रॉप पे ज़्यादातर फॉल आर्मी वर्म का अटैक है। फॉल आर्मी वर्म एक कीड़ा होता है जो मकई को डैमेज करता है, ज़्यादातर मकई पे ही लगता है। और आजकल बहुत बड़ा इशू चल रहा है फॉल आर्मी वर्म का। अब हम देखते हैं इस मकई में किस जगह पे फॉल आर्मी वर्म होता है, कहाँ पे छुपा होता है। ये बिल्कुल मकई के सेंटर वाले हिस्से में होता है, हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं ये किस जगह पे है, और इसका डैमेज भी आप देख सकते हैं कितना डैमेज है। दोस्तों ये है फॉल आर्मी वर्म जो मेज़ क्रॉप को ज़्यादातर डैमेज करता है, ये आप देख सकते हैं, और साइड में इसका वेस्ट मटेरियल भी है। ये फॉल आर्मी वर्म है, अभी ये छोटा है लेकिन इसका डैमेज बहुत बड़ा है। दोस्तों अब मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा, इस फॉल आर्मी वर्म से बचने का इलाज, कौन सी प्रोडक्ट हम लगाएं ताकि है हम इससे बच सकें और हमारी फसल जो हो महफूज हो। फॉल आर्मी वर्म के लिए कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। दोस्तों ये जो विलासिटी प्रोडक्ट है ये एजी फार्मा की एवियल ग्रुप की प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है और इसमें केमिकल है एमामेक्टिन बेंजोट 5% WDG। ये प्रोडक्ट आपको 6 टांकियों पे इस्तेमाल करनी है, 150 ग्राम, 150 ग्राम 6 टांकियों में आपको प्रोडक्ट लगा के इस्तेमाल करनी है, और पानी में बिल्कुल अच्छी तरीके से हल करके 6 टांकियों पे ये स्प्रे करें मकई पे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। ये मैंने भी अप्लाई की है, बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट मिली है, और आपको और आप भी अप्लाई करके देखें। ये फॉल आर्मी वर्म का बेस्ट कंट्रोल है।